जब दुनिया भर के दूसरे देश दूसरे विश्व युद्ध के हमले से उबरने की कोशिश में जुटे थे, तब उसी दौर में चीन में एक ऐसे नेता का दबदबा कायम हो रहा था जिसे माओ कहा जाता था। माओ चीनी क्रांतिकारी, राजनीतिक विचारक और साम्यवादी दल के सबसे बड़े नेता थे। इन्हीं के नाम पर आगे चलकर माओवाद और माओ के सिद्धांत प्रसिद्ध हुए। माओ 1949 से लेकर 1973 तक चीन के सरताज बने रहे। हालांकि बाहर से रोबदार और बड़े डीलडोल वाले नजर आने वाले माओ का निजी जीवन वास्तविकता से बहुत अलग नजर आता है। जी शी ली के द्वारा माओ के निजी जीवन पर लिखी गई एक बहुत चर्चित पुस्तक द प्राइवेट लाइफ ऑफ चेयरमैन में कई ऐसी बातें सामने आई है इसे जानकर अचरज महसूस होता है। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि माओ ने अपने जीवन में कभी दांतों पर ब्रश नहीं किया। माओ रोज सुबह दांतों को साफ करने के लिए चाय का कुल्ला किया करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि माओ को नहाने से भी बहुत नफरत थी। ये अपने आप को तरोताजा रखने के लिए गर्म तौलिए से स्पंज बाथ लिया करते थे। इस किताब में लेखक ने लिखा है कि माओ अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में काफी मोटे हो गए थे। कई बार उनके साइज के कपड़े उन्हें छोटे पड़ जाते थे। माओ के जीवन पर जारी इस किताब में और भी कई रोचक बातें सामने आई है जिसे पढ़कर लोग काफी अचरज में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।